हरियाणा में अलग से एचएचजीपीसी बनाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां एक ओर श्री अकाल तख्त साहिब ने जगदीश झिंडा, नलवी और हर मोहिंदर सिंह चट्टा को पंच से निष्कासित कर दिया है, वहीं चट्टा ने खुद को बेकसूर बताया है। श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा पंथ से निष्कासित किए गए हरियाणा के वित्त मंत्री हरमोहिंदर सिंह चड्डा ने दो टुक कहा है कि अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाकर उन्होंने कोई पथ विरोधी काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक तख्त साहिब की ओर से कोई लिखित आदेश नहीं मिले हैं। सेपरेट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो बादल ने असली बनाई, जो सच पूछो तो बादल ने बनाई। बादल ने इसलिए बनाई, इस तरह बनी कि जब 1966 में हरियाणा पंजाब बना, उस वक्त एक्ट बना था, उस एक्ट में सेक्शन 72 लिखा हुआ है। बादल और इंचार्ज थे, हरियाणा वाले तो मांगते ही नहीं थे, पंजाब भी मांगता था। उसमें सेक्शन 72 में ये लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इसका कोई एक्ट बनेगा तो वो सरकार बनाएगी। चड्डा का कहना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने ही हरियाणा को अलग कमेटी के गठन का अधिकार दिया है और अब वही शोर मचा रहे हैं। बादल द्वारा इस मुद्दे पर इस्तीफे की धमकी पर चड्डा ने कहा कि बादल को अब इस्तीफा दे ही देना चाहिए। बात यह है कि बादल साहब, हम तो चाहते हैं त्याग पत्र ना दें, दो साल रहते हैं, इलेक्शन अगली भी लड़ाएं, पर नज़र ये आता है कि इनके घर की बात होगी और इन्होंने छोड़ना होगा तो छोड़ देंगे। हम तो नहीं चाहते बादल सर छोड़ें, हम तो चाहते हैं बादल हमारा सम्मानीय है, बुजुर्ग है, पुराना नेता है, मैं तो वैसे भी उसकी बाप जी इतनी इज्जत करता हूँ। नहीं, ये त्याग पत्र वाली बात देखिए, जो त्याग पत्र वाली बात, ये त्याग पत्र वाली बात और जिद वाली बात, तो यही लगता है कि वोट बैंक उनका खिसक गया है, उस वोट बैंक को ठीक करने के लिए। गौरतलब है कि बुधवार को श्री अकाल तख्त साहिब ने दीदार सिंह नलवी, जगदीश सिंह झिंडा और हरमोहिंदर सिंह चड्डा को पंथ से बेदखल कर दिया था। तीनों पर सिख कौम को बांटने का आरोप है। चंडीगढ़ से मनोज राठी के साथ प्रीति गोयल, डेयर नाइट न्यूज चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।